भिवानी के सुईगांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम ने किया महामहिम का स्वागत। राष्ट्रपति ने सुईगांव में किया विकास कार्यों का उद्घाटन। भिवानी में सीएम ने किया बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन। तो शाम रोड बाईपास पर बनाया गया है बीजेपी का नया कार्यालय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां राष्ट्रपति पहुंच गए हैं सुईगांव। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम ने महामहिम का स्वागत किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद है। गांव सुई में विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। भिवानी में सुईगांव पहुंच गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद हैं। सीएम ने महामहिम का स्वागत किया है। राष्ट्रपति ने सुईगांव में कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुई में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति सुईगांव पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया है। मौके पर डिप्टी सीएम, कृषि मंत्री और वहां के सांसद भी मौजूद नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच खासा उत्साह भी यहां देखने को मिल रहा है। सुईगांव के लोगों में राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है, उसको लेकर काफी उत्साह यहां लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गांव सुई में विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। भिवानी पहुंच गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति का यहां स्वागत किया है। लोगों के बीच जहां खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं विकास कार्यों को लेकर अब सरकार काफी सजग नजर आ रही है। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद हैं। सुईगांव में विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। कई विकास कार्य यहां पे करवाए जाएंगे, जिनका उद्घाटन आज कर दिया गया है। तो सुईगांव पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महामहिम का स्वागत किया है। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद है। इस दौरान कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भिवानी से जहां सुईगांव पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जहां मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मुट्रेजो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, राष्ट्रपति वहां पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री ने भव्य स्वागत किया है, कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है, लोगों के बीच क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भिवानी जिले के गांव सुई पहुंचे हैं, इन्होंने जो है कई परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया है। हालांकि सौप्रेरित आदर्श गांव सुई गांव है, क्योंकि गांव के ही एक सेठ ने इस गांव के अंदर विकास कार्य करवाए हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि वो अपने अपने गाँव को जो है गोद लें, उसी कड़ी के अंदर सेठ जो है किशनलाल जिंदल, उन्होंने इस गाँव को गोद लिया था। आज तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ की गई है। लोगों में भी खासा उत्साह है, क्योंकि उनका कहना है कि आज तक उन्होंने महामहिम को केवल चलचित्रों के माध्यम से ही देखा था, आज स्वयं उन्होंने जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं उन्होंने जो है महामहिम को देखा है, काफी जो है आज उनके अंदर देखा जा सकता है। बिल्कुल दीपक, हालांकि लोगों के बीच खासा उत्साह, क्योंकि अपने बीच राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को पाकर लोगों के बीच अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस दौरान कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया गया है, कौन कौन से विकास कार्य इस दौरान उद्घाटन में शामिल है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से स्वप्रेरित गांव है, तो यहां के सेठ ने जिस प्रकार से गांव में विकास कार्य करवाए हैं, उसके अंदर जो है गांव की गलियां हैं, गांव की झील है जो कि कृष्णा झील के नाम से इसे इसका नाम दिया गया है, वहीं गांव का जो स्कूल है, राजकीय स्कूल है, उस गाँव स्कूल को भी जो है यहाँ बनाया गया है। साथ ही हॉस्पिटल, यहाँ तक की ऑडिटोरियम भी जो है यहाँ के सेठ के द्वारा बनवाया गया है, तो उसी को उद्घाटन करने के लिए आज महामहिम पहुंचे हैं और इन सभी परियोजनाओं का जो है उद्घाटन कर दिया गया है और जनता को समर्पित कर दिया गया है। बिल्कुल दीपक, हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा इस दौरान सुईगांव की जनता को बड़ी सौगात दी गई है, लेकिन अगर हम सुईगांव की बात करें तो यहां मूलतः लोग स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों से परेशान रहते हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ नए योजनाएं लाई गई हैं, क्या बच्चों के भविष्य को लेकर के कुछ फैसला लिया गया है, या स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि यहां पे अस्पतालों की कमी है, लोगों को काफी दूरी का सफर तय करना पड़ता है अस्पताल पहुंचने के लिए, तो क्या स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बेहतर लाभ सुईगांव की जनता को मिल पाएगा? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रगति, आपको बता दूं कि यहाँ के जो सेठ हैं, जिन्होंने इस सारे
विकास कार्य को करवाया। उनका कहना यह है कि वो चाहते हैं कि इस गांव के अंदर ऐसी लैब बने जो कि लोगों को दिल्ली या चंडीगढ़ हर प्रकार के टेस्ट करवाने के लिए जाना पड़ता है, तो उनके टेस्ट यहीं पर ही हो जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या उन्हें ना हो। इस तरह की बातचीत वो मुख्यमंत्री से करेंगे। अगर मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलती है तो स्वयं इस गांव के अंदर वो लैब बना करके देंगे, लेकिन उनका कहना है कि इसे सरकार चलाए, इसके लिए व्यवस्थाएं जो है सरकार पैदा करके दे, लेकिन बनवाने का सारा खर्चा जो है वो स्वयं उठाएंगे। लेकिन अभी मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत होनी है। अगर मुख्यमंत्री हरी झंडी देते हैं तो हो सकता है कि इस गांव के अंदर ऐसी सुविधाएं बन जाए। बिल्कुल दीपक, हालांकि लगातार लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है, केंद्र का भी भरपूर सहयोग इस दौरान राज्य सरकार को मिल रहा है, लेकिन लोगों के बीच इस दौरान खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है राष्ट्रपति का, उनके साथ साथ वहां के सांसद भी मौजूद है। सांसद की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या उन्होंने गांव के विकास के लिए सांसद ने कोई प्रस्ताव मांगा है या दिया है? देखिए, आपको बता दूं जिस प्रकार से महामहिम का कार्यक्रम है, इस दौरान जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित भिवानी, महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह, यहाँ तक कि हिसार के सांसद विजेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं। कृषि मंत्री देवी दलाल भी इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद है। वहीं विधायक जो भवानीखेड़ा के विधायक हैं वो भी, और भिवानी के विधायक, तमाम विधायक जो है यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ ही देर के अंदर जिस प्रकार से संबोधन होगा उसके अंदर मुख्यमंत्री जो है कई घोषणाएं भी कर सकते हैं और नई नई सौगात जो है सुईवासियों को भी दे सकते हैं, भिवानी वासियों को भी दे सकते हैं। हालांकि अभी ये भविष्य के गर्भ में है कि मुख्यमंत्री क्या घोषणाएं आज करते हैं, लेकिन लोगों में खासा उत्साह आज है क्योंकि महामहिम को दर्शन हुए, स्वयं कर पा रहे हैं। बिल्कुल दीपक, हालांकि इस दौरान कई सौगात जनता को मिलने वाली है, लेकिन अगर दीपक अभी हम कुछ दिन पहले की बात करें तो जहां राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को और तमाम बड़े नेताओं को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम वहां देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। लगभग 1400 के आसपास पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, किसी भी प्रकार की घटना ना हो इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। चौकसी पूरी बरती गई है, पूरे जो गांव है उसको 8 किलोमीटर तक जो है सील कर दिया गया है, 8 किलोमीटर से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को नहीं आने दिया जा रहा। पूर्ण व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, किसी को भी परिंदा भी पर ना मारे, इस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर तमाम कर दी गई हैं। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े रखे गए हैं, ऐसे में लोगों के सुरक्षा को कितना ध्यान में रखा गया है, क्योंकि यहां राजनेताओं की मौजूदगी में ये विकास कार्यों का उद्घाटन है। राष्ट्रपति वहां पे पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी है, डिप्टी सीएम भी मौजूद है, कृषि विभाग के मंत्री भी वहां पे मौजूद है, लेकिन लोगों की सुरक्षा को का कितना ध्यान रखा गया है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि वहां पर जो राष्ट्रपति के जो कार्यक्रम है वहां पर जो है चुनिंदा लोगों को वहां बुलाया गया है, उनके स्पेशल पास बनवाए गए हैं, उनकी सारी जांच की कर ली गई है। उस ऑडिटोरियम के अंदर जो कार्यक्रम है वहाँ तमाम व्यवस्थाएं की गई है, पूरी चौकसी वहाँ पर बरती गई है, आसपास पुलिस की मौजूदगी है, न केवल पुलिस की बल्कि अन्य जो एनएसजी के कमांडर है वो भी वहाँ पर मौजूद है। तमाम व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई है, किसी को भी बिना पास के एंट्री नहीं की जा रही। हालांकि कई नाके यहाँ पर बनाए गए हैं, हर नाकों पर हर व्यक्ति की तलाशी के लिए जा रही है, प्रॉपर तरीके से हर व्यक्ति को अंदर जाने दिया जा रहा है, किसी के पास किसी भी वस्तु को जो है साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम पुलिस बिल्कुल दीपक, सुरक्षा के तमाम इंतजाम वहां पे किए गए हैं, जहां राजनेताओं के साथ साथ जनता की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। दीपक बने रहिए हमारे साथ, हम इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री का संबोधन सुईगांव में देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित कर रहे हैं जनता को सुईगांव में, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुईगांव पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां उनका स्वागत किया है, वहीं अब जनता को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति सुईगांव पहुंच गए हैं, सुईगांव में सीएम का संबोधन देखने को मिल रहा है। मुक्केबाजी और एथलेटिक्स एकेडमी बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है, सुईगांव में एकेडमी बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। सुईगांव को सड़कों की भी सौगात दी गई है, औद्योगिक क्लस्टर की भी सौगात इस दौरान सुईगांव की जनता को दी गई है, सुईगांव में सीएम का संबोधन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुक्केबाजी और एथलेटिक्स एकेडमी बनाने की घोषणा की गई है, सुईगांव में एकेडमी बनाने की घोषणा कर दी गई है, गांव को सड़कों की भी सौगात दी गई है, औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाने पर भी सहमति यहां बन गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुईगांव पहुंचे हैं राष्ट्रपति, जहां कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई, कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया, वहीं अब मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं जनता को, जहां उन्होंने कई बड़ी सौगातें सुईगांव की जनता को दी है। इस दौरान औद्योगिक क्लस्टर बनाने पर भी सहमति बनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भिवानी से, जहां सुईगांव में
मुख्यमंत्री का संबोधन देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस दौरान जनता को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, जहां राष्ट्रपति का स्वागत हुआ है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े रखे गए हैं, अब मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं जनता को, कई बड़ी सौगात दी गई है, औद्योगिक क्लस्टर बनाने पर भी सहमति बन गई है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों को संबोधित कर रहे हैं, राष्ट्रपति ये जो कार्यक्रम है उसके अंदर स्टेज को साझा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, उसने मुक्केबाजी की जो अकेडमी है उसको खोलने की एक ही अनुमति मुख्यमंत्री के द्वारा दे दी गई है। साथ ही जो गांव की सड़कें हैं वो प्रॉपर तरीके से और अच्छी प्रकार से बन सके, इसकी भी हरी झंडी मुख्यमंत्री के द्वारा दे दी गई है। पूरी घोषणा मुख्यमंत्री ने अब कर दी गई है। औद्योगिक क्लस्टर बनाने की सहमति भी मुख्यमंत्री के द्वारा दे दी गई है। तमाम घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल दीपक, लगातार लोगों को जहां कई सौगातें दी गई हैं, ऐसे में जहां हमने शिक्षा की बात करी, स्वास्थ्य की बात करी, वहीं सड़कों के हालत भी बदहाल हैं, सड़कों के हाल बेहाल है। ऐसे में लोगों को के बीच दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है, कहीं ना कहीं हादसे भी होते रहते हैं, लेकिन अब सड़कों की सौगात भी यहां पर सुई गांव की जनता को दी गई है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि सड़कें जो है प्रॉपर तरीके से बने, हर गली की सड़कें बने, इसकी तमाम जो घोषणा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभी की है। उनका कहना है कि गांव की कोई भी सड़क अच्छी नहीं होगी, तमाम सड़कों को पैमाने के हिसाब से बनाया जाएगा, कोई भी घर नीचे ना दबे, इसकी पूर्ण व्यवस्था भी जो सड़क बनाने वाले हैं वो देखेंगे। ठेकेदारों को जो भी कहा है कि प्रॉपर तरीके से सभी सड़कें बने, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा अभी की गई है। बिल्कुल, इस बीच दीपक, मुक्केबाजी और एथलेटिक्स अकेडमी बनाने की भी घोषणा की गई है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि भिवानी जिला, जिसे जो है कहा भी जाता है कि मुक्केबाजी, यहाँ के खिलाड़ी मुक्केबाज रहे हैं, इन्होंने ओलंपिक में भी अपना नाम कमाया है, उसी को देखते हुए यहाँ पर मुक्केबाजी और एथलीट की अकेडमी खोले जाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। बिल्कुल दीपक, इस दौरान जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है, औद्योगिक क्लस्टर पर भी सहमति बन गई है। अगर औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे, इससे उद्योगों को कितना फायदा मिलेगा, उद्योगपतियों को कितना फायदा मिलेगा? बिल्कुल, आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी का काफी जो है संख्या के अंदर देखे जा सकते हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्लस्टर बनाने की जो मुख्यमंत्री ने सहमति दी है, उससे काफी फायदा न केवल सुई गांव को होगा बल्कि आसपास के गांव को भी होगा, या तक कि दूसरे लोग भी यहाँ पर आकर के रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। पूर्ण व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर जो है की जाएंगी, तो आने वाले समय के अंदर काफी लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा और जो बेरोजगारी का आलम है वो भी कम होगा। बिल्कुल दीपक, जहां शिक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है, स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है, सड़कों का पूरा ध्यान रखा गया है, ऐसे में सुरक्षा को भी कहीं से पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। सुई गांव की जनता को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार आगे क्या कुछ तैयारी कर रही है? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जा रहा है, इस गांव के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आज इस प्रकार से महामहिम का कार्यक्रम है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर की गई है। महामहिम के दौरे कार्यक्रम के दौरान चारों तरफ से पुलिस जो है बिल्कुल तैयार है, नाके लगाए गए हैं, किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। अनुमति लेने के लिए जो है पहले पास बनाया जाता है, उसके बाद जो है अनुमति दी जाती है, तो काफी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा घेरे के अंदर जो है महामहिम का कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है। बिल्कुल, सुरक्षा घेरा इस दौरान बनाया गया है, सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं, चूंकि मुख्यमंत्री वहां मौजूद है, मुख्यमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति, डिप्टी सीएम, कृषि मंत्री और तमाम बड़े नेता भी वहां पे मौजूद है। उनकी मौजूदगी में ये सौगात विकास कार्यों की जनता को दी जा रही है, ऐसे में जनता के बीच क्या कुछ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जनता काफी खुश है, उनका कहना है कि लगातार जो है वो चलचित्र के माध्यम से राष्ट्रपति के दर्शन अवश्य करते हैं, लेकिन आज पहला मौका है जब राष्ट्रपति स्वयं इस गांव के अंदर आए, तो वो स्वयं इस गांव के अंदर ही उनके दर्शन कर रहे हैं। काफी अपने आप को सौभाग्यशाली वो महसूस कर रहे हैं कि देश के प्रथम नागरिक आज उनके यहाँ गाँव के अंदर आए हैं, और कई जो परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है। बिल्कुल दीपक, लगातार विकास कार्यों को लेकर सरकार सजग नजर आ रही है, ऐसे में कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया गया है। लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सेहत और शिक्षा, सबका ध्यान इस दौरान राज्य सरकार के द्वारा रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, बात अब भिवानी की करेंगे, जहां सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। बता दें कि बीजेपी कार्यालय तोशाम रोड बाईपास पर बना है, सीएम के पहुंचने पर भारी संख्या में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए।
बढ़ते आगे बात अब साइबर सिटी गुरुग्राम की करेंगे, जहां कांग्रेस की तरफ से अनोखा अभियान देखने को मिला है। बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में देर रात फिरोज गांधी कॉलोनी की गलियां घंटी और सीटियों से गूंज उठी। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के पहले अनोखे जागते रहो अभियान चलाया। इस अभियान में सभी कार्यकर्ताओं ने फिरोज गांधी कॉलोनी की गलियों में जाकर लोगों को घंटियां और सीटियां बजाकर जगाया और सरकार के बढ़ रहे भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमकर सरकार को कोसते हुए नजर आए। तो कांग्रेस का ये अनोखा अभियान यहां देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता गलियों में घंटी और सीटी बजाते हुए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से सरकार पर निशाना भी साधा गया है। इस दौरान सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया है। बता दें कि फिरोज गांधी की यह तस्वीर गुरुग्राम के फिरोज गांधी में कांग्रेस के कार्यकर्ता गलियों में घंटी और सीटियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस का ये अनोखा प्रदर्शन जागते रहो अनोखा अभियान जागते रहो जनता के बीच रखा गया, जहां इस दौरान सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, यहां गलियों में जाकर घंटियां और सीटियां बजाकर अनोखा अभियान करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ यहां पर जमकर निशानेबाजी भी की गई है, जमकर निशाना साधा है। सरकार पर भ्रष्टाचार का, अपराध का और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर को लेकर आरोप भी लगाया गया है। वहीं बरवाला में पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर लोग धरने पर हैं। लोगों का कहना है कि डीसी धरने की सुध तक नहीं लेने पहुंचते। वहीं उन्होंने प्रशासन पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बता दें कि धरने को 37 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। वहीं रतिया के अनाज मंडी में धान चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। देर रात भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी के आरोप अज्ञात महिलाओं पर लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि देर रात अज्ञात महिलाओं ने धान चोरी की वारदात को एक बार फिर से अंजाम दिया। किसान संघर्ष समिति ने पुलिस अधीक्षक और मार्केट कमेटी सचिव को ज्ञापन सौंप दिया है। साथ ही चोरी करने वाली महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। किसानों द्वारा फसल चोरी का वीडियो भी अधिकारी को उपलब्ध करवाया गया है। किसानों ने यह आरोप लगाया है कि रतिया अनाज मंडी में रात को 2 बजे के बाद महिलाओं का समूह अनाज मंडी आता है, जो धान की ढेरों में से धान को चोरी करके ले जाता है। ये धान की खरीद का मामला है। सरकार कह रही है अभी किसान का दाना दाना खरीदेंगे, मगर किसान का दाना दाना तो नहीं खरीद रहे। यूपी से आया हुआ धान का दाना दाना खरीद रहे हैं, जो 2 नंबर में धान आ रहा है। किसान मंडियों के अंदर रोड़ रहा है, पिछले 8 दिनों से लगातार लोग डेरियों पे बैठे हैं। दिवाली से लेकर आज तक बोली बंद थी, एक बार बोली चलाई है उसमें भी पक्षपात कर गए, मगर धान खरीदा नहीं जा रहा। जैसे खेती कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा, हम कह रहे हैं भी मंडी ये सरकार खरीद से भाग रही है। अब ये सबूत आगे पंजीकरण कराने के बाद भी जिसने वो किसान धान मंडी में लेके बैठा है। वही भवानी खेड़ा अनाज मंडी स्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी में डीएपी खाद के लिए किसानों की मंगलवार देर रात लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। देर रात किसान भारी संख्या में लाइन में लगे हुए नजर आए। वहीं पुलिस की निगरानी में किसानों को खाद बांटी गई। बता दें कि डीएपी खाद की किल्लत के चलते भवानी खेड़ा सहित प्रदेश भर में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डीएपी की मांग करते हुए किसानों ने भवानी खेड़ा में सुबह 10 बजे भिवानी हांसी मार्ग को जाम भी कर दिया, जिस पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरिओम ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझा बुझाकर 1 घंटे के बाद जाम खुलवाया।
बढ़ते आगे, जहां बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद भले ही गायों को लेकर सख्त कानून बनाए हो, लेकिन बावजूद इसे लेकर गौ तस्करों में इसका कतई असर देखने को नहीं मिल रहा। ताजा मामला दिल्ली के फरीदाबाद से है, जहां पर आज सुबह पीछा कर रहे गौ रक्षक दल पर गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी और मौका देखकर अपनी गाड़ी के साथ गायों को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस अब जांच के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। सूचना दी थी अपने गोरक्षक दल ने, जो बाबा है उन्होंने, अशोक बाबा ने, तो उसके ऊपर हम आए हैं। यहाँ इस गड्ढे में तीन गाय हैं, एक आगे वो फैक्ट्री बता रहे हैं, तो गाड़ी और ये गाय रिकवर कर ली, इनको गौशाला छुड़वा रहे हैं, बाकी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। अपने मुखबर खास से सूचना मिली थी कि कुछ गो तस्कर गायों को गो तस्करी के उद्देश्य से लेकर जा रहे हैं। हमने इन्हें रोकने का प्रयत्न किया, काफी पीछे से गायों को उठाते हुए ला रहे थे। पुलिस प्रशासन पर हमारी बीटी चल रही थी और हमने एंड में इन्हें यहाँ पर आकर काबू किया। ये मामला ये था, रात को हमें सूचना मिली, हमने अपने अशोक बाबा को यहाँ की टीम से सूचना दे दी थी, अपने गोरक्षा प्रमुख बजरंग दल से है उनको सूचना दे दी थी। तो उनको सूचना देने के बाद इस गाड़ी के पीछे लगे हुए इन्होंने फायरिंग भी की है टीम के ऊपर, और इन्होंने चलती गाड़ी से गाय भी फेंकी है। जो गाय चोटिल है उनको हमने गौशाला पहुंचा दिया और SHO साहब मौके पे आ गए हैं, जिनकी कार्रवाई वो कर रहे हैं। बढ़ते आगे, जहां झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में एक मां और बेटी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का मामला सामने आया। इस वारदात में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल मां को रोहतक स्थित PGI में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बता दें कि आरोप मृतक युवती के पिता पर ही लगा है और पिता हरियाणा पुलिस में ASI के पद पर सोनीपत में तैनात है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये पूरा मामला बहादुरगढ़ के मांढोडी गांव का बताया जा रहा है। मांडोटी में सब इंस्पेक्टर है, ESI संत कुमार, उसकी लड़की की हत्या हुई है और हमें सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ गोली चल गई, जिस पर पुलिस पार्टी वहाँ पहुंची। उस टाइम पर लड़की को एक गोली लगी हुई है मुँह के ऊपर, वो सर में पीछे निकल गई है। तो इसमें अभी स्टेटमेंट लेंगे, उसकी मदर को भी एक इंजरी है, एक फायर आर्म भी, अभी स्टेटमेंट अभी प्राप्त करनी है कि मदर को PGI हॉस्पिटल में रेफर कर रखा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।